नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आरके क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी कक्षा 10 का एक अध्याय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसे अच्छे से तैयार करके समय समय पर जरूर रिवाइज करें। एक और खास बात कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। किसी भी क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट होता है उसे आप जरूर जानें, फिर आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात ये रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, और ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये आप ध्यान रखें, हमसे पूछा जा सकता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के कितना होता है, तो वो बराबर होता है, क्योंकि ना पदार्थ का निर्माण हो रहा है ना विनाश हो रहा है, दोनों के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके ऊष्मा उत्पन्न करता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ, और बना क्या रहा है, बुझा हुआ चूना CaOH2। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर दिया, CaO प्लस H2O ने मिलकर एक सिंगल कंपोनेंट बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ये संगमरमर का सूत्र होता है, कई दफ़ा पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं, अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। काफ़ी आसान सी बात लिखी गई है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, कई दफ़ा पूछा गया श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमसे पूछ सकता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ध्यान रखें, हमने ऊपर पढ़ा था बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है कि जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, और बुझे हुए चूने का जो विलयन होता है उसका उपयोग हम लोग दीवार की पेंटिंग के लिए करते हैं, और जब दीवार में पेंटिंग करते हैं तो बुझा हुआ चूना वायु से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का एक
परत बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत बना लिया जिससे कि दीवार पर चमक आ जाती है। हम लोग देख रहे थे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, हमने उसमें पढ़ा था कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और श्वसन और कंपोस्ट बनना भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखिए कि जीवित रहने के लिए जैसे हमें ऊर्जा ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है, और पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और ये ग्लूकोज क्या करता है, शरीर की कोशिका में उपस्थित जो होता है, शरीर में जो कोशिका होती है उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता था, संयोजन अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक एकल पदार्थ विघटित होकर दो या उससे अधिक पदार्थ दे देता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट, नाम जरूर याद रखें, फेरस सल्फेट में जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3। फेरस सल्फेट FeSO4 को जब गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 और SO3 का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब सिल्वर क्लोराइड AgCl को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है या रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण होता है। और जस्ट उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसको जब सनलाइट में ले जाते हैं तो Ag और Br का Br2 का निर्माण होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग फोटोग्राफी में करते हैं, यह क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा जा चुका है कि फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किस क्या होता है, ये देखते हैं। जैसे कि Fe आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu, Fe प्लस CuSO4 इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। देखिए इसमें क्या होता है कि उपर्युक्त अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। हमारा जो Fe था वो किससे रिएक्ट किया, CuSO4 से, और उसके बाद क्या हुआ कि लोहे ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ये उपचयन एवं अपचयन क्या है, आइए देखते हैं। Cu+O2 को जब तापन ताप दिए तो क्या होगा, CuO कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, और जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो यह काला से भूरा रंग में बदल जाता है। इस लाइन को आप जरूर याद रखें, क्या पता स्टेटमेंट के रूप में कभी पूछ ले कि जब कॉपर और ऑक्सीजन का तापन होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग काला से भूरा हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आगे देखते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन होता है।
वहीं जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है तो उसका अपचयन होता है। आप जरूर ध्यान में रखें कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है। वहीं जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या अपचयन होता है उसमें। देखिए, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उसका उपचयन होता है, तथा जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। जब किसी अभिकारक में एक अभिकारक उपचयित हो जाए और दूसरा अपचयित हो जाए तो इस प्रकार की उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप ध्यान रखें कि जब एक अभिकारक क्या हो जाए, उपचयित हो जाए और दूसरा अपचयित हो जाए तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑक्सीकरण के कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। हमसे पूछ सकता है कि चांदी के ऊपर काली परत किस प्रक्रिया के कारण चढ़ती है? ऑक्सीकरण के कारण। तांबे के ऊपर हरी परत किस कारण से चढ़ती है? ऑक्सीकरण के कारण। अगला देखते हैं, ऑक्सीकरण के प्रभाव से बचने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीकरण या उपचयन के कारण तेल एवं वसा क्या होता है, बेकार हो जाता है, जिससे क्या होता है, वसा युक्त या खाद्य सामग्री के स्वाद बदल जाते हैं, उसमें गंध आ जाता है। तो ऐसे सामग्री में उपचयन को रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन जो होते हैं उसमें खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है, और जैसे कि चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर दी जाती है ताकि चिप्स खराब ना हो। दोस्तों, ये था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा, काफ़ी कंसाइज नोट को लिखा गया है। आप इस लेक्चर को जरूर तैयार करें, साथ ही अगर इसके बाद अगर आपके पास पुस्तक है तो आप उसे भी जरूर एक बार पढ़ें। निश्चित ही आपको सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी समस्याएं। लगातार जुड़े रहें। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिवीजन जरूर करें। धन्यवाद।